बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं इनसे अपने आज के व्लॉग का आगाज़। 12:02 हो चुके हैं और अनाय फातिमा को अम्मी जी ने अच्छे से मालिश की थी। अम्मी जी कहती कि आज मैं खुद मालिश करती हूँ, तुम पता नहीं कैसे करती हो। तो अम्मी जी ने अनाय फातिमा की मालिश की थी, तो मैंने उसको दूध फीड करवा के तो उसको सुला दिया है। अब उठेगी, अब उसकी नींद नहीं ख़राब करनी। अगर उसकी नींद ख़राब करेगी तो वो रोना शुरू कर देगी। उठेगी तो फिर उसको नहलाऊंगी। तो उतनी देर तक जो है ना, दोपहर का खाना भी हमने बना के खा लिया। बस अभी आपस रहते हैं, वो अपना थोड़ा काम कर रहे थे बाहर। आते हैं बाहर से तो फिर जो है ना उनको खाना देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये सेट करनी है। देखें है कोई हाल, ये देख ले। तो ये जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं ना उनको आगे करना है, छोटी चीज़ें ना पीछे। एक दफ़ा बस सारा झाड़ पूछ करना है, चीज़ें यही की यही रखनी है बस, थोड़ा झाड़ पूछ करके ना। तो रखनी है चीज़ें, तो दिखाती हूँ अपने बहन भाई को साथ साथ में। इसकी जरूरत नहीं है, इसको पीछे रख दूं। अमित जी आई नहीं है पास से। उसको एक्सपीरियंस है और हमारे घर में तो इतनी ही देर बाद नन्ही मुन्नी हमारी बेटी आई है। तो हाँ जी, अच्छा मैं आपके सारी बातें क्लियर करती हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, भाभी आसिया को माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। जब हमने पैदा हुई थी तो तब यहाँ पे बच्ची मेरा भी थी, तो पहले भी बच्ची लोग के बच्चे यहाँ पे मतलब पैदा हुए थे, तो वो भी यहीं के थे। तो इस वजह से
अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बस रात को जो है ना वो तंग करती है, 1-1 घंटे के बाद जो है ना वो उठ जाती है, इसलिए मेरी फिर नींद नहीं पूरी होती, फिर मुझे गुस्सा आता है, फिर मुझे गुस्सा आता है कि ना पद्मा तंग करती है। दूसरा ये कि अब आप भी मुझे बताएं, मेरा अपना इतना दूध है नहीं, मैं मेडिसिन भी खा रही थी और मैंने ऑपरेशन के पहले इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाई और उसके बाद मैं दूध भी पी रही हूँ, जीरा डाल के सौंफ डाल के मैं 2 टाइम मैं दूध पी रही हूँ, फिर भी जो है ना उसका पेट नहीं जाई का पता, फिर मुझे गुस्सा आता है, वो फीडर नहीं पीती। और एक और सिस्टर थी वो कहती कि डॉक्टर से मशवरा करके तो आप इसको डिब्बे वाला दूध लगाएं, तो जी हाँ मैं डिब्बे वाला दूध लेके आई थी, डॉक्टर के मशवरे से ही लेके आई थी, लेकिन वो मुँह भी नहीं लगाती। तो मैंने दूसरी दफ़ा मतलब दूध जो है ना वो चेंज किया डिब्बे वाला, लेकिन वो नहीं पीती, तो बस मुझे इसलिए गुस्सा आता है। फिर जब वो भूखी होती है ना तो तुरंती है, अभी वो और तो कोई चीज़ खा नहीं सकती, तो मेरे दूध से उसका पेट नहीं भरता, इसलिए फिर मुझे गुस्सा आता है कि फिर फीडर पी ले। तो उठ के इतनी सी इसकी नींद है, तो फिर बताएं मुझे मैं गुस्सा कैसे ना करूं, जब वो पेट भर के उसने दूध ही नहीं पीना, फीडर वो नहीं पीती, मेरे दूध से उसका पेट नहीं भरता, तो फिर वो रोती थी, फिर मुझे गुस्सा आता है कि रोने से बेहतर है वो दूध पी ले फीडर वाला, मैं भी कुछ वो भी कुछ। तो ये मसला है बस, और बाकी ये नहीं है कि सारा दिन मैं खुद ही संभालती हूँ उसको। तो अभी उठा तो सब ले, लेकिन वो अभी किसी के पास जाती नहीं, छोटी है अभी, इसलिए वो अभी किसी के पास नहीं जाती। तो अल्लाह का शुक्र है मैं माँ हूँ उसकी, तो संभाल सकती हूँ मैं उसको, ठीक है ना। तो बातें हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो ये मैंने पीड़े उतार के रखने होते, ये मैं वीडियो जो है ना शुरू में क्लिप ऐड कर रही हूँ, इससे आगे मेरे घर के कान पर आज की वीडियो है, क्योंकि उस दिन मैं हाँ जी नहीं जी इससे आगे मैंने अपने घर में फर्नीचर जो है ना वो सेटमेट किया था, तो फिर अचानक हमारी यहाँ माइक आने का प्रोग्राम बन गया। नहीं कौन इन्हें ना ले वाल पटीन दे हौली हौली लावा दवा तेरे फड़ के ना एडिया सुनिया लगदिया ने सुइया मेरी गुड़िया नु सुना शूट ता ही आंदा फिर सारा खुला चली बस आ ही लिया मैं नरम नरम लैके बहुत सारे लैके नरम नरम आहो जाओ पप्पा जी नाल। हाँ जी पप्पा क्या कह रही है, पप्पा कह रही है बाजार जाने नए फातिमा के साथ हैं जाने, आहो तो फिर बड़ी चीजा उतो लैन दे फिर रोन तो नहीं विखाया जी। फिर इधर की मिर्च मिर्च होंगी है भाई हाँ आ आ आ आ आ आ